नमस्कार भाई लोग, एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। बहुत जानकारी वाली वीडियो है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जिन्होंने अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का फॉर्म भरा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मुझे पता है कि वहाँ कैसी चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, ट्रेनिंग कैसे होगी, पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी क्या होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम की। 17 फरवरी को जो आपका डेट खत्म हुआ है, तो अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी सिस्टम्स की कमी ज़्यादा है और एमटीएस की। तो एग्ज़ाम आप बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट करिए। मे बी नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी होता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, आपने हल्का फुल्का क्लास 10th तक भी अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, ईजिली क्वालिफाई कर लोगे। बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड थिंग, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के दो टायर है। टायर वन में आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, टायर टू में आपका होगा ट्रांसलेशन का टेस्ट। उसमें एक पैरा होगा जो कि हिंदी में दिया होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और एक पैरा होगा जो इंग्लिश में दिया होगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, इसको करने के बाद आपका आता है इंटरव्यू का टाइम। इंटरव्यू के लिए आपको जब एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपको वेन्यू दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू में कहाँ आना है, कैसे करना है। इंटरव्यू में आपको सिंपली, जब इंटरव्यू का डेट आएगा, तो मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो समय दूंगा, अभी उसके लिए रहने देते हैं क्योंकि लंबी वीडियो जाएगी। तो एग्जाम के लिए कोई टेंशन, मतलब 10 तक की, क्लास 10 तक की जो भी पढ़ाई की है तुमने, उतना काफ़ी है। तुम कुछ पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी करके आओगे। जनरल चीज़ें आती हैं, बिल्कुल जनरल चीज़ें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। सारा कुछ हो गया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया आपका, अब आप जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने के लिए आपको हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जब कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग 2 जगह होती है, वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 2 जगह पर ट्रेनिंग होगी आपकी, 2 से 3 महीने की शायद ट्रेनिंग होती है। सब कुछ होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप इन्जॉय करोगे। ट्रेनिंग होने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग भी 3 जगहों पे होती है। एक तो हेडक्वार्टर्स में होती है, और 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पोस्टिंग होती है। एक BOI होता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, और एक होता है SIB, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर आपको वहाँ पे काम करने का दिया जाएगा। जो भी काम होगा, जैसा जैसा आपका ऑफिस होगा, उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। उसमें कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप बिल्कुल जेम्स बॉन्ड बन के घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ पिक्चरों में होता है सिर्फ। आपको जैसा काम होगा आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये बिल्कुल, ये एक शुरुआत होता है। बिल्कुल जो बेस है पोस्ट, वो IB का बेस पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो आप समझ लीजिए कि सबसे लोएस्ट पोस्ट पे हैं आप, उस हिसाब से ही काम होता है। हाँ, सेकंड थिंग, जो मेन सैलरी के लिए लोग परेशान होते हैं, तो सैलरी क्या है। सैलरी में आपको जो 2000 ग्रेड पे की सैलरी होती है, लगभग 35-36 हज़ार, वो इतनी मिलती है। लेकिन इसमें 20% आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। तो आपको 20% या सिक्योरिटी अलाउंस मिलकर 42 के अराउंड इन हैंड सैलरी XCT में आती है। जैसे दिल्ली में आपकी 42-43 थाउजेंड के अराउंड सैलरी आएगी आपकी इन हैंड। ये आपकी सैलरी की बात हो गई। और लास्ट बात हम करते हैं कि प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है। तो वर्क प्रोफाइल है मेरे भाई, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिस में काम कर रहे हो, किस ऑफिस में काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपका वर्क प्रोफाइल डिपेंड करेगा। जो चीज़ आपको सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बताई जाएंगी वहाँ पे, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंने कंपाइल करके आपको एक जगह बता रहा हूँ। कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत ही बढ़िया जॉब है, काम करने वालों के लिए बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा करेगा। देश की सेवा करने का एक बहुत बढ़िया मौका होता है। लेकिन इसमें आप बिल्कुल ही छुपे रहेंगे, आपका कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगा कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मज़ा आता है लाइफ में, बहुत बढ़िया लगता है। और प्रमोशन की बात करें, तो भाई प्रमोशन में तुम सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप अपनी लाइफ इसमें देख रहे हैं, तो आप ACIU 2 तक जा सकते हैं, रिटायरमेंट तक। प्रमोशन का क्या स्केल है, जिस जोन से आपने सिलेक्शन लिया है, आपकी पोस्टिंग उसी जोन में होगी अगले 8 सालों तक। 8 से 10 साल तक आप उसी जोन में रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई पनिशमेंट पोस्टिंग ना मिलती हो। ठीक है, तो 8 साल तक आपका कोई प्रमोशन नहीं है। 8 साल के बाद आपका प्रमोशन आएगा, लगभग 8 से 10 साल के बाद जो जनरल प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन आएगा आपका JIO 2 के लिए, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2nd ग्रेड। वहाँ प्रमोट होंगे तो फिर आपका जोन चेंज होगा, फिर वहाँ पर जहाँ भेजा जाएगा आपको उस जोन में जाना होगा। एक चीज़ अच्छी होती है, FTP, फास्ट ट्रैक प्रमोशन। फास्ट ट्रैक प्रमोशन क्या है, फास्ट ट्रैक प्रमोशन में होता है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन के एग्जाम्स के लिए, तो आप फास्ट ट्रैक प्रमोशन के एग्जाम देके, उनको क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके आप प्रमोशन जल्दी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है सारे आपके काम पे, कि आप कैसा काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को कैसा काम करके दे रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है उस पर, तब आपका फास्ट ट्रैक प्रमोशन होता है। वो एक वक्त नहीं है ऐसा कुछ, आप आराम से नौकरी करेंगे, बढ़िया लगेगा आपको। और इतनी बातें ही बहुत है, बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हो सकता है मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ बता पाऊँ जो यहाँ मैं नहीं बता सकता आपको। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।